घर में किसी दिन आते ही हर बंगालीज के घर पे एक कॉमन डिश पोस्तो बनेगा ही बनेगा। आलू पोस्तो, आलू प्याज पोस्तो, प्याज पोस्तो, झींगे पोस्तो, पोटल पोस्तो, एक्सेट्रा बहुत सारे टाइप के पोस्तो डिश राइस के साथ सर्व किया जाता है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू प्याज पोस्तो की रेसिपी। ये डिश बहुत ही ईजी एंड सिंपल है। चलिए बिना देरी किए आज का ये आलू प्याज पोस्तो की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू प्याज पोस्तो बनाने के लिए मैं यहाँ 4 पीस मीडियम साइज आलू लेके छोटे टुकड़ों में काट के बॉईल कर ली हूँ। 4 पीस प्याज को भी स्लाइस करके रख ली हूँ। 3 टेबलस्पून पोस्तो, 2 सूखे लाल मिर्च लेके थोड़ा सा पानी डाल के स्मूथ पेस्ट बना लेना है। कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डाल के 1 टीस्पून जीरा डाल देना है। लाल मिर्च डाल देना है। ध्यान रखे पोस्तो बनाने के टाइम गलती से भी रिफाइंड ऑयल का यूज ना करें। तेल गर्म होने पे ऑनियन को ऐड करें एंड 1 टीस्पून सॉल्ट डाल के अच्छे से भून ले। प्याज गोल्डन ब्राउन होने पे बॉइल्ड आलू डाल ले एंड अच्छे से प्याज के साथ भून लेना है। अभी पहले जो पोस्तो बाटा बनाए थे, मतलब जो पॉपी सीड का पेस्ट बनाए थे, उसे अभी ऐड करना है एंड अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी 1 कप पानी के साथ 1/2 टीस्पून सॉल्ट डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। ऊपर से 2 स्लाइस किया हुआ ग्रीन चिली डाल के ढक के 5 मिनट के लिए कुक कर लेना है। 5 मिनट बाद ढक्कन खोल के ऊपर से 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डाल के अच्छे से मिक्स करके गैस फ्लेम ऑफ करके ढक के रख लेना है। बस रेडी हो गया प्याज दिए आलू पोस्तो, है ना बहुत ही आसान। गर्मा गर्म राइस के साथ आलू पोस्तो एंजॉय करें। मेरे रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। फॉर मोर अपडेट द बे लीफ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।